टेक्निकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाए। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई व्हाट्सएप चैट कर रहे हो या फिर आपने कोई शॉपिंग की है तो आप नॉर्मली उसका स्क्रीनशॉट लेके एक रिकॉर्ड रख लेते हो। लेकिन वही मैं अगर कहूँ कि अगर हमें वही स्क्रीनशॉट कंप्यूटर में लेना है, क्योंकि कंप्यूटर में भी आप कई ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हो, कभी ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो, या फिर मैं बोलूँ कि कोई आप चैट ही कर रहे हो, कोई कॉन्वर्जेशन है जिसकी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, तो वो आप कैसे लेंगे। तो यहाँ मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ इंक्लूडिंग शॉर्टकट कि आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं कंप्यूटर में। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ जो सबसे पहला ट्रिक हम यूज करने वाले हैं वो है शॉर्टकट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी विंडो यहाँ हम खोल लेते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन को ओपन किया है। अब मैं इसे क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में आपको विंडो की मिलेगी, आपको एक उंगली से उसे होल्ड करके रखना है और उसके बाद आपको यहाँ प्रेस करना है प्रिंट स्क्रीन बटन, जो कि आपको ऊपर स्क्रोल लॉक के साइड में मिल जाएगा। तो आप जैसे इन दोनों पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक होती है और वो जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है, आप दिस पीसी में जाइए और यहाँ जाने के बाद आपको जाना है पिक्चर वाले ऑप्शन में और यहाँ आपको एक फोल्डर मिल जाएगा स्क्रीनशॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है और आप देखेंगे कि जो भी स्क्रीनशॉट हमने लिया था वो यहाँ पे सेव हो गया है। सेम लाइक मान लीजिए कि हमें यहीं पे कोई स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज दैट हम क्या करते हैं कि मुझे ये स्क्रीनशॉट लेना है जो भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे विंडो की को होल्ड किया जो कि कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में है, उसे आपको एक उंगली से प्रेस करके रखना है और फिर दूसरी उंगली से आपको प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है। आप देखेंगे ये स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आ गया है। इसके बाद बात करें कि ये तो हो गया कि नॉर्मली आप प्रॉपर पूरी जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और वो जाके बाय डिफॉल्ट पिक्चर वाले फोल्डर में सेव हो जाता है जो कि आप दिस पीसी में एक्सेस कर पाते हो। लेकिन इसके अदर में अगर आप खुद कहीं पे सेव करना चाहते हो जैसे डेस्कटॉप पर या फिर मैं बात करूँ कहीं और, तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है, कहने का मतलब कि हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको प्रिंट स्क्रीन का बटन पहले प्रेस करना है। हमने एक बार यहाँ प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दिया, इसके बाद आप सर्च ऑप्शन में आइए और यहाँ से आप पेंट खोल लीजिए। तो यहाँ पे हमने पेंट को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक पेस्ट करना है और आप देखेंगे वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आप फाइल में जाओ और उसे सेव कर दीजिए जहां पे भी आप सेव करना चाहते हैं। तो हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर और मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट स्क्रीन शॉट और हमने किया सेव। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे सेव हो गया है फर्स्ट स्क्रीनशॉट के नाम से। तो इसको भी क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये एज अ इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गया है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे दो तरीके के हमने, एक तो हमने शॉर्टकट किया, दूसरा हमने यहाँ पे जो है पेंट का यूज करके इसे सेव किया, और तीसरा ऑप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्निपिंग टूल। तो सिंपली आप यहाँ जाइए सर्च ऑप्शन में, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो वहां आपको सर्च का ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो आप वहां जाइए और लिखिए स्निप, आपको ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा स्निपिंग टूल, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आप चार तरीके से कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन को। पहला तरीका है कि फ्री फॉर्म, जिसमें आपको एक सीजर मिल जाती है जिसमें जितना एरिया लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके जितना एरिया आप इसमें कवर करोगे उसकी जो इमेज है वो आपको मिल जाएगी। फिर हम न्यू पे क्लिक करते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे मिलता है रेक्टेंगुलर, कि कोई भी अगर पार्टिकुलर हिस्सा ही आपको भेजना है किसी को तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, आपको दोबारा से स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पेन का ऑप्शन मिला हुआ है तो आप देख सकते हैं ब्लू पेन रेड पेन, तो मैंने यहाँ रेड ले लिया। और मैं कोई भी, जैसे आप व्हाट्सएप में देखते हो कि कोई भी चीज़ हमें शो करनी होती है कि भाई मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं स्निपिंग टूल की मदद से। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है विंडो स्निप का। तो विंडो स्निप जो भी चीज आपकी खुली हुई है, कहने का मतलब जो ये आपकी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन को हम विंडो भी बोल सकते हैं, तो इस पूरी स्क्रीन का
स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। तो ये काम आप फुल स्क्रीन स्निप से भी कर सकते हो या फिर आप विंडो स्निप पर क्लिक करके आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। आप देखेंगे कि सीधा सीधा ये जो यहाँ पे इमेज है आपकी, पूरा का पूरा जो स्क्रीन है वो पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब करना क्या है कि आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, फिर आप फाइल में जाओ और इसे सेव कर दो। सेव कहाँ करेंगे, हम डेस्कटॉप पर कर लेते हैं ताकि हमें डायरेक्टली मिल जाए। और मैं इसे सेव कर देता हूँ कि 456 के नाम से फाइल नेम डाला हमने और कर दिया सेव और करते हैं क्लोज। आप देखेंगे 456 के नाम से आपको यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ तीन वेज हैं। एक आपको मिल जाता है यहाँ पे शॉर्टकट विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन, दूसरा आप कर सकते हैं प्रिंट स्क्रीन प्लस पेंट, और तीसरा तरीका स्निपिंग टूल। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वेज हैं और ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, और जैसा भी लगा हो एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।